हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.4.4 के बारे में। सबिंग करके डेलोर की तरफ से जो जीकेएम 8.4 का एक नया बिल्ड अवेलेबल हो गया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इसी जीकेएम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो ये जो वीडियो है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो बिल्ड है तो गूगल कैमरा 8.4.400 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकेएम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ ये जो जीकेएम 8.4 का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके डिफरेंट गूगल कैमरा का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इसी गूगल कैमरा का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले ये जो जीकेएम 8.4.400 का जो बिल्ड है सबमिट करके डेवलपर की तरफ से अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो बिल्ड है तो काफी स्टेबल एंड स्मूथ बिल्ड है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है पर फ्रंट कैमरा के साथ जो है सेफ सेल्फी सेस प्रीव्यू का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है और भी बहुत से डिवाइस के ऊपर ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। यहाँ पर वीडियो मोड के साथ जो है पर व्यू फाइंडर के ऊपर जो है पर ब्लैक स्क्रीन का इशू देने को मिल रहा था उसे भी फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ। अगर फीचर्स की बात करें, यहाँ पर जो है ढेर सारी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो है रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पर टाइमर का ऑप्शन है। यहाँ पर फोकस के ऊपर जो है ऑटो, नियर, फार, इन्फिनिटी ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो एस्ट्रो मोड जो है काम करता है, प्लस यहाँ पर जो है प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ। एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर एस्ट्रो मोड के ऊपर जो है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर जो है ऑटो एंड ऑफ का ऑप्शन है, बट यहाँ पर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के साथ काम कर जाएगा। यहाँ पर जो काफी बढ़िया पोर्ट्रेट मोड के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड एंड कैमरा के साथ जो ऑटो नाइट साइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, प्लस एचडीआर मोड, एचडीआर इनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो पोर्ट्रेट मोड भी काम कर जाएगा। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। अभी इस जीकेएम के साथ जो ये पर फोटो क्लिक कर सकते हो। ये पर जो है एचडीआर प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। कैमरा के ऊपर जो है नाइट साइड का ऑप्शन है, एचडीआर मोड, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, एंड ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। ये पर कैमरा भी काम कर जाएगा। एंड कैमरा के साथ जो आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। ये पर मैनुअल मोड को ऐड किया गया है। ये पर वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन है, पर टाइम लैप्स के ऊपर जो 1x 5x का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट है तो इस जीकेएम के साथ आप सिंपली एक्सटर्नल माइक के साथ जो है यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर 4K 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K 60fps का सपोर्ट है तो इस जीकेएम के साथ आप सिंपली 4K 60fps के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो है रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ है स्लो मोशन के ऊपर 1/4 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है यहाँ पर 1/4 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ, बट यहाँ पर 1/8 का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ। यहाँ पर रेडमीनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आपके डिवाइस के ऊपर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेडमीनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है स्लो मोशन के ऊपर 1/8 का जो ऑप्शन से काम नहीं करते, पर 1/4 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। स्लो मोशन के ऊपर जो है एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर मोड है इसे भी ऐड किया गया है। फोटो एक्सपर मोड के साथ आप सिंपली 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो। अगर आप 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो जो है फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ पर
फोटो एक्सपर्ट मोड के साथ जो 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो। जो पैनोरमा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जीकैम 8.4 के साथ जो पैनोरमा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस जीकैम के साथ तो बहुत ही फास्ट एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। प्लस पर जो डबल टैप टू जूम का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर सिंपली डबल टैप करके जूम कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। सिंपली यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ जो है आप यहाँ पर फोटो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर एक्सपोजर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इसे भी फीचर्स अवेलेबल है। बहुत ही फास्ट आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को स्विच कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है डबल टैप टू जूम का भी ऑप्शन से अवेलेबल है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 16x तक जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी 16x तक जूम का जो ऑप्शन से काम करते हैं। पर कैमरा के साथ भी 16x एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर 5x तक जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस जीकैम के साथ जो 16x तक जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो है पिक्सल 6 प्रो का जो कैमरा फीचर से ऐड किया गया है। पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एक्शन पैन का ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली अब जो है सेटिंग्स मेनू को एक्सप्लोर करते हैं। इस जीकैम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा। वहां पर जाके इस गोल कैमरा को डाउनलोड करके आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। पहली दफा जब आप इस जीकैम को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है कोई भी डिवाइस के ऊपर इस गोल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। पर एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। ना यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, गूगल लेंस का सजेशन का ऑप्शन है, पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अब डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, आप सिंपली अब जो है डबल टैप करके जूम कर सकते हो। यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप जो फोटो एंड वीडियो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कितना मिनट का वीडियो कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद जीकैम के साथ अगर आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है जीकैम 8.4 के साथ। एंड पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। पर ग्रिड टाइप के ऊपर 3:3, 4:4 का ऑप्शन है, मैनुअल कंट्रोल के ऊपर वाइट बैलेंस एंड एक्सपोजर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेफ सेल्फी सेल्स प्रीव्यू जो मिरर फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है पर वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है, पर डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ जो आप नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर हमने डेवलपर सेटिंग्स के बारे में अलग से वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। वजह डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है गोल कैमरा 8.4 के साथ जो है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ मॉडर्न यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन से काम करता है एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13 के साथ। बेसिकली यहाँ पर सिस्टम यूआई के ऊपर जो भी कलर को आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली सेम कलर जो है पर गूगल कैमरा के साथ जो है पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिस्टम यूआई के ऊपर जो भी कलर रहेगा ऑटोमेटिकली गूगल कैमरा के साथ जो सिमिलर कलर देने को मिलेगा। तो यहाँ पर मॉनेंट यूआई और वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जीकैम 8.4 के साथ, काफी बढ़िया बात है। इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो मॉनेंट यूआई का जो ऑप्शन है एंड्रॉयड 10 एंड एंड्रॉयड 11 के साथ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट ईयर बात कर लेते एडवांस सीनिस के बारे में। यहाँ पर एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है, पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है। यहाँ पर टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जीकैम 8.4 के साथ। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। पर कैमरा टिपाई सेटिंग्स, मॉडल इंटरफेस, डिवाइस सिलेक्शन फॉर एचडीआर एंड ये सभी ऑप्शन है। पर मॉडल इंटरफेस के ऊपर जो है अलग अलग लेंस के ऊपर जो अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। सिंपली पर मेन लेंस, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, फ्रंट लेंस का ऑप्शन है। हमें यहाँ पर जो है मेन लेंस के ऊपर पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 से पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। हम यहाँ पर सिंपली पिक्सल 6 प्रो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जीकैम को रीस्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पर जो सिंपली गोल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद ये जो मोशन का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। यहाँ पर
रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है मोशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं काफी बढ़िया बात है, पर मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर एक्शन पैन का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो का जो फीचर से ऐड किया गया है पर मोशन का ऑप्शन से पर एक्शन पैन लॉन्ग एक्सपोजर का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है जीकेएम 8.4 के साथ। यहाँ पर पिक्सल कैमरा का जो फीचर से पर पिक्सल 6 प्रो का जो कैमरा फीचर से पर ऐड किया गया है जीकेएम 8.4.400 के साथ एंड इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली जो है एडवांस सिनेस्कोपर जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली अगर आपके डिवाइस को 64 मेगापिक्सल का डिवाइस है और अगर आपके डिवाइस को 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देने को मिलता है आप सिंपली जीकेएम के साथ जो 64 मेगापिक्सल के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। वजह जीकेम के साथ जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस के साथ भी जो अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर एडिशनल सीरीज को ऐड किया गया है पर ISO एक्सपोजर टाइम HDR प्लस HDR फिल्म को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एक्सपोजर नॉइस मॉडल ऑटो वाइड बैलेंस लीप पैचर इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर मैनुअल फोकस सेटिंग्स व्यू फाइंडर बटन एंड एस्ट्रो नाइट मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर ISO एक्सपोजर टाइम के ऊपर इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर ISO एक्सपोजर टाइम प्लस मैक्स एक्सपोजर टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है प्लस पर HDR फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर HDR मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो प्लस नाइट साइड मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर फ्रेम को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर फोटो सेव होने में टाइम लगेगा बट फोटो के ऊपर जो है काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के ऊपर वाइड एंगल लेंस एंड माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है बट टेलीफोटो लेंस का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो टेलीफोटो लेंस वाइड एंगल लेंस एंड माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जीकेएम 8.4 के साथ एंड यहाँ पर जो है एक्सप्लोरर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर नॉइस मॉडल के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर नॉइस मॉडल के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें ऑटो वाइड बैलेंस के बारे में यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लीप पैचर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। लीप पैचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर लीप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड लीप पैचर के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली लीप पैचर के साथ जो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है पर एक्सपोजर नॉइस मॉडल लाइट एंड शेडो नाइट मोड ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर लीप पैचर के साथ जो है मैनुअल कॉर्नर देने को मिल जाएगा पर लीप पैचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है लीप पैचर के साथ प्लस मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अलग अलग लेंस के ऊपर जो अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो पर मैनुअल फोकस सेटिंग्स को ऐड किया गया है। ये पर मैनुअल फोकस सेटिंग्स के ऊपर जो है ऐसे भी ऑप्शन है पर व्यू फाइंडर बटन्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर मैनुअल फोकस स्लाइडर ऑटो वाइड बैलेंस बटन LDR बटन शटर स्पीड ISO स्लाइडर यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर व्यू फाइंडर के ऊपर जो अलग अलग बटन्स को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड यहाँ पर एस्ट्रो एंड नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड वीडियो सेटिंग्स के ऊपर जो है वीडियो सेटिंग्स के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है पर बिट रेट के ऊपर जो है 130 MBPS तक जो है वीडियो का जो बिट रेट आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स के ऊपर जो 130 MBPS तक जो वीडियो का जो बिट रेट आप इंक्रीज कर सकते हो प्लस यहाँ पर जो है ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सब्जेक्ट पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। यहाँ पर फोकस लॉक टाइम का ऑप्शन है ऐड किया गया है। जीपीजी क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है। यहाँ पर पोर्ट्रेट जूम के ऊपर जो है पोर्ट्रेट जूम को एनेबल कर सकते हो। पोर्ट्रेट जूम को जो है चेंज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है प्लस जो है बाय डिफॉल्ट 16x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हो बच्चे बाय डिफॉल्ट जो जूम का ऑप्शन है इसे आप इंक्रीज कर सकते हो पर जूम UI का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर सैमसंग
फीचर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है लाइव एचडी, यहाँ पर लाइव एचडीआर का ऑप्शन है। स्विच अपर्चर टू f2.4 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर एक्सिनोस फिक्स का ऑप्शन है। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है सैमसंग डिवाइस के साथ भी काम करेगा, वन प्लस डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। यहाँ पर DCI P3 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर OIS सीरीज के ऊपर जो है OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम करता है, प्लस यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है जीकेएम के साथ। यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो है ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है, डेफिनेटली इस जीकेएम को आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके डिफरेंट डिफरेंट गूगल कैमरा का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा जीकेएम 8.4.400 के साथ। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।